Subscribe and press the bell icon to never miss the videos from IBPSguide.com. हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी, जो हमारी कल की लाइव क्लास जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई ड्यू टू नेट इश्यूज़। मैं क्लास उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई और एक्सट्रीमली सॉरी, एंड ये उसी का पार्ट है, इसी को मैं डिस्कस कर रही थी आपके लाइव सेशन में। अगर मान लीजिए आपका RRB असिस्टेंट प्री के लिए लाइव सेशन पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि मैं जो हमारी IBPS PO की सीरीज़ स्टार्ट होगी, जो कि मैंने उसमें भी डिस्कस करा था कि IBPS PO प्री की जो लाइव सेशन की सीरीज़ स्टार्ट होगी वो मोस्ट प्रोबेबल आपकी मंडे से स्टार्ट होगी, तो वो मैं ट्राई क्या करूँगी, आई विल डेफिनेटली टेक अ लाइव सेशन ऑन दैट। और अगर मान लीजिए RRB असिस्टेंट का प्री का पॉसिबल नहीं हो पाया, बट मैं देख रही हूँ कि अगर नेट इशूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं तो मैं RRB असिस्टेंट प्री की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगी। सो एक्सट्रीमली सॉरी, आप सब आए भी थे सेशन अटेंड करने बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, सो सॉरी। तो चलिए आइए, अब और देर नहीं करते, हम अपनी पजल और इनक्वालिटी के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब आप सबकी डिमांड रहती थी कि क्वेश्चन दोनों फॉर्म में होना चाहिए, इन इंग्लिश वर्जन ऑल्सो एंड हिंदी वर्जन ऑल्सो। तो इस वाले वीडियो में और ज़्यादातर मैं ट्राई करूँगी कि हमारे जो जितने भी अपकमिंग सेशंस होंगे उसमें क्वेश्चन होंगे आपके इन बायलिंगुअल, दैट इज़ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखिए ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जल्दी से बेसिक समझ लेते हैं। इसमें बेसिक होता क्या है, देखिए इसमें कुल मिला के 5 साइंस होते हैं, एक ग्रेटर होता है, एक ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू होता है, एंड एक इक्वल टू होता है, देन एक लेस दैन होता है, एक आपका लेस दैन होता है, एक आपका लेस दैन और इक्वल टू होता है। देखिए अगर किसी भी आपकी स्टेटमेंट में आपके ये दोनों साइन आ जाए साथ में, तो इन दोनों में बड़ा कौन होता है, मतलब आप अगर आपके कंक्लूजन में बड़ा इंसेंस आपके कंक्लूजन में कौन सा होगा, तो आप उसको ट्रू करोगे, आप इसको ट्रू करोगे अगर ये दोनों रहेंगे। तो आपका कंक्लूजन में अगर ये वाला दिया होगा उन दोनों के रिगार्डिंग, तो आप इसको टिक करोगे। यहीं पे अगर मान लीजिए आपका ये वाला साइन भी इंक्लूडेड हो जाता है इक्वल वाला, तब भी आपका ये बड़ा होगा। इन केस आपका ये दोनों आ जाए, तो इसमें आपका कौन सा ग्रेटर होगा, इसमें आपका ये ग्रेटर होगा, दैट मीन्स आप इसको सेलेक्ट करोगे। अगर आपके कंक्लूजन में ये दिया हुआ है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, तो ये ट्रू हो जाएगा। यहीं पे अगर यहाँ पे भी अगर आप इक्वल टू इंक्लूडेड कर लो, तब भी ये बड़ा होगा, ठीक है। और इन केस आपका ये दोनों साइन आ जाए, थोड़ा सा इंक का कलर चेंज कर लेते हैं। इन केस मान लीजिए आपके ये दोनों साइन आ जाए, इन दोनों साइन में आप किसको ट्रू मानोगे, आप इसको ट्रू मानोगे। इन केस आपका ये दोनों साइन आ जाए, तब आप उस केस में किसको ट्रू मानोगे, आप इसको ट्रू मानोगे। और मान लीजिए आपके, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, और देखिए ये जो होती है इसको आप एक बॉक्स में समझो और इसको आप एक बॉक्स में समझो। अगर इन दोनों में से कोई भी इस साइन के साथ भी आए, लेट से जैसे ए दिया हुआ है ग्रेटर बी दिया हुआ है, देन सी ग्रेटर दिया हुआ है इक्वल टू दिया हुआ है, और फिर इधर आपका डी दे दे, अब आपसे पूछे कि ए और डी के बीच में आपको मान लीजिए कंक्लूजन में दे देगा, कुछ भी दे देगा, कोई भी साइन हो, बट देखिए आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइंस दैट मीन्स ये एक बॉक्स था और ये दूसरा बॉक्स था, दैट मीन्स ये बॉक्स अगर एक दूसरे के साथ आएंगे तो हमेशा आपका कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बेसिक पता होगा, बट कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बेसिक नहीं पढ़ता होगा, तो हमने इसका एक क्विक रिव्यू देख लिया है कि हमारा होता क्या। आगे हम अपने स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स के क्वेश्चन के थ्रू जब पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें देखिए स्टेटमेंट दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में दो टाइप के आएंगे कि इधर आपको इसको कनेक्ट करना पड़े, कनेक्ट इन सेंस देखिए यहाँ पे कॉमा है ना, बट कुछ ऐसे होंगे कि जो आपको सिंगल दिए होंगे, दैट इज सिर्फ इतना दिया होगा, आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट देखते हैं करेंगे कैसे, आपका जे हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू के इक्वल टू एल। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आप देख लो, यहाँ पे तो अभी इस वाले को आप इससे नहीं जोड़ सकते हो क्योंकि बी डी एन क्यू में जे के एल का कुछ भी कॉमन नहीं, बट यहाँ पे के से क्यू आप ऐड कर सकते हो, और फिर जैसे ही क्यू लिखोगे तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम सबसे पहले के से क्यू लिखते हैं, तो आप यहाँ पे इक्वल लगाओ, देन आप यहाँ पे क्यू लिखो, क्यू लिखने के बाद आप फिर से इक्वल लगा लो, और फिर यहाँ पे आपका एन हो जाएगा, देन आपका डी हो जाएगा, देन आपका बी हो जाएगा। तो इसको हमने ये कनेक्ट कर लिया। अब इसमें कंक्लूजन पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्यू ग्रेटर है इक्वल है बी से। तो देखिए क्यू आपका यहाँ पे है, क्यू आपका यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो आपको कंक्लूजन देखना ही नहीं है कि क्या बोल रहा है कि क्या है, बस आप देख लो क्यू से बी
तो देखिए क्यू से बी में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइन आ गए ना, अभी मैंने बात करी थी ये वाला साइन कहाँ पे प्रेजेंट है, वाला यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर इस साइन की आप बात करते हो तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑपोजिट साइन है, दैट मीन्स कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग होगा। ठीक, उसके बाद देखिए एन ग्रेट, एन से एल जाना है, अब एन आपका यहाँ पे है, एल आपका यहाँ पे है, तो अब देखिए एल से अगर आप इधर जाते हो तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक साइन मौजूद है, दो साइन मौजूद है, एक आपका इक्वल है और एक एन ग्रेटर है और इक्वल है क्यू के, एन ग्रेटर है इक्वल है एल के कह रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि एन ग्रेटर है इक्वल है एल के, और यहाँ भी देखिए अगर इस वाले लाइन को आप पकड़ के चलते हो ये, तो देखिए इसमें भी यही सेम चीज़ बोल रहा है कि n इक्वल है और ग्रेटर है आपके l से, तो इस वाले में आपका ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए इसको भी कनेक्ट हम अपना कर लेते हैं, n हो गया, देन आपका p हो गया, देन k हो गया, देन आपका t हो गया। अब यहाँ पे t कॉमन है तो t को आप कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो आप t लिखो इक्वल r लगाओ, देन आपका w हो जाएगा, देन आपका इधर v हो जाएगा। अब v कॉमन है और v और x में v कॉमन है तो आप v को कनेक्ट करो, अब इसको कनेक्ट करने की नीड नहीं है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि x ग्रेटर है ना, तो आप यहीं पे ऐसे मार्क कर कर लो कि x आपका ग्रेटर है। फर्स्ट क्या पूछ रहा है, n से हमें w जाना है, n आपका यहाँ पे और w आपका यहाँ पे, तो अगर आप ऐसे जाते हो आपको दैट मीन्स इस वाले पैटर्न को देखना है, तो यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे बता क्या रहे, देखिए यहाँ पे कौन कौन से साइन आ रहे हैं, एक ग्रेटर आ रहा है और एक ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर और ग्रेटर दैन इक्वल टू में बड़ा क्या होता है, ग्रेटर बड़ा होता है, और यहाँ पे देखिए प्रेजेंट भी ग्रेटर है, दैट मीन्स ये वाला कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स से आर, अब आपका आर यहाँ पे एक्स यहाँ पे, कुछ आपको समझना ही नहीं है, सोचना नहीं है, देखिए यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ गया, एक बार एक्स बड़ा बता रहा है, एक बार आर बड़ा बता रहा है, तो कुछ डेफिनेट बता नहीं सकते हो, और ऊपर से मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया था कि अगर ये बॉक्स इस बॉक्स के किसी भी सिंबल के साथ आए और वाइस वर्सा, तो आपका कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग होता है, तो ये आपका डजंट फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर भी देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, तो इसमें हो क्या जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस केस में अगर आंसर देखते हैं तो इसमें फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, एन हो गया, देन आपका टी हो गया, देन आपका आई हो गया, फिर यहाँ पे I आपका कॉमन मिल रहा है तो I को हम कर सकते हैं कनेक्ट, Z हो गया, देन आपका X हो गया, और देन आपका V हो गया, फिर V कॉमन है तो V लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप V लिखो, देन J लिखो, और देन आप L लिखो। अब I से J जाना है, I आपका यहाँ पे है और आपका J यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ गए, एक बार I बड़ा और बराबर हो रहा है और एक बार J हो रहा है, दैट मीन्स दोनों बॉक्स के साइन साथ में आ गए, साइन में साथ में आ गए, तो ऑलवेज कंक्लूजन डजेंट फॉलो हो जाएगा। फिर यही N से L जाते हैं, तो देखिए N आपका यहाँ पे है, L आपका यहाँ पे है, अब यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन आ गया, ठीक, ये देखिए ये एक ऑपोजिट साइन आ गया, अगर मान लीजिए ये साइन नहीं होता तब तो आपका कंक्लूजन फॉलो होता, बट यहाँ पे ये साइन आ गया, और यहाँ भी देखिए अपोजिट साइन इंक्लूडेड है, मतलब डबल साइन ऑपोजिट साइन इंक्लूडेड है, दैट मीन्स ये कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इफ नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस केस में। सेकेंड में क्या बोल रहा है, इस वाले को भी कनेक्ट कर लेते हैं, P देन F हो जाएगा, देन आपका E हो जाएगा, देन आपका M हो जाएगा, उसके बाद M से आप कनेक्ट कर सकते हो तो M से कर लो, ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं, M यहाँ पे हो जाएगा, देन आपका L हो जाएगा, उसके बाद L बड़ा और बराबर हो जाएगा G से। अब S A E है तो यहाँ पे E आपको मिला तो आप E यहाँ पे लिख लो, E आप यहाँ पे लिख लोगे, फिर आप A को लिख लो, अब यहाँ पे आपका A आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे S आ जाएगा। अब आपसे आपको G से F जाना है, आपका G यहाँ पे प्रेजेंट है, F यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, एक इक्वल आ रहा है और ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन होता है, बड़ा इन सेंस किसको आप मार्क करोगे, आप मार्क करोगे अगर ट्रू होगा तो आपका किस केस में होगा, कि अगर F आपका ग्रेटर हो जाए और इक्वल टू हो जाए G से, तो यहाँ पे वही केस बन रहा है, दैट इज ये ऑप्शन आपका फॉलो करेगा। फिर S से G जाना है, S आपका यहाँ पे है, G आपका यहाँ पे है, तो अगर आप ऐसे कर कर आते हो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रेटर का एक साइन मिल गया, तो आपके यहाँ पे कौन कौन से साइन हो रहा है, एक आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन हो रहा है, एक इक्वल टू साइन हो रहा है और एक ग्रेटर साइन हो रहा है, तो इन दोनों में अभी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा किसको मानते हैं, दैट इज ट्रू, किसको मानेंगे, बड़े वाले को मानेंगे, और यहाँ पे बोल भी रहा है कि एस बड़ा है जी से, तो ये भी फॉलो हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ कंक्लूजन वन एंड सेकेंड फॉलो। अब लास्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें देखिए एस हो जाएगा, देन आपका ए हो जाएगा, देन आपका इधर ई आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ई कॉमन मिल रहा है तो आप ई को यहाँ पे इक्वल लगा के लिख लो,
और इधर एम हो जाएगा, अब इधर एफ़ हो जाएगा और देन आपका इधर पी हो जाएगा। अब देखिए जी एल एम और यहाँ पे एम प्रेजेंट है तो आप एम से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो तो कर लो। यहाँ पे एल हो जाएगा देन आपका ये एल ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा जी का, तो ये हमने कनेक्ट कर लिया। फिर आपसे आपको ए से पी जाना है, ए आपका यहाँ पे, पी आपका यहाँ पे, यहाँ पे जाते हो तो कौन से साइन प्रेजेंट है, एक बार तो बोल रहा है कि ए बराबर है और बराबर है, बड़ा है पी से, और एक बार बोल रहा है सिर्फ बराबर है, तो इन दोनों में बड़ा क्या होगा, बड़ा इन सेंस हम इसको किसको ट्रू मानेंगे, हम इसको ट्रू मानेंगे। तो क्या हमारे कंक्लूजन में भी इन दोनों के बीच में यही रिलेशन दे रहा है, हाँ बिल्कुल दे रहा है, तो ये आपका फॉलो कर जाएगा। फिर यहीं आप जी से पी की बात करते हो तो जी आपका यहाँ पे, पी आपका यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे एक ऑपोजिट साइन आ गया, यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ गया, जब भी ऑपोजिट साइन आएगा आपका कंक्लूजन डजेंट फॉलो हो जाएगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए एग्जामिनेशन में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको हमको जहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए, दैट इज एक आपका सिलॉग्स हो जाता है, एक आपका ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक आपके सीरीज़ के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट्स और मैं भी यही मानती हूँ कि आपको सिलॉग्स और इनइक्वालिटी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके रीजनिंग में सबसे ईजिएस्ट टॉपिक होते हैं। इसको आप करोगे ना तो जैसे ही आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपका थोड़ा सा मॉरल, आपका मोटिवेट आप और हो जाओगे कि हाँ आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और ये 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके एक से मैक्सिमम 1.5 मिनट में आप 5 के 5 सॉल्व कर लेते हैं, ये मैक्सिमम टाइम है। 1 मिनट में और से 1.5 मिनट में अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका मॉरल ऑब्वियसली हाई ही होगा, तो आप आगे भी कॉन्फिडेंट रहोगे और अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो एग्जामिनेशन में आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिससे स्टार्ट करना चाहिए, आपको अपने उसमें चेक करना चाहिए कि आपके इनइक्वालिटी या सिलॉग से क्वेश्चन पूछे हैं कि नहीं। अगर पूछे तो सबसे पहले आप इन्हीं सारे सबको सॉल्व करो। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेट है जो है पजल का। तो देखिए ये भी बोथ वर्जन में, आप जिस भी वर्जन में देखना चाहो आप देख सकते हो। तो आप इसको वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज करना और इसको ट्राई करना। देखिए इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप देखना कि पॉसिबिलिटी आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो या चीज़ों को आप कैसे कर सकते हो। अगर इसकी आइडियल टाइम की बात करते हैं तो वो 1.5 मिनट होगा, ठीक है, 1.5 मिनट होगा, 1.5 मिनट में आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि देखिए यहाँ पे आपकी 3 दी हुई हैं चीज़ें, एक तो स्टूडेंट्स के नाम दिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 7 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर अटेंडिंग द एग्जाम ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द सेम वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे टू संडे। तो देखिए 7 स्टूडेंट के बारे में और उसमें बता रहा है कि उनका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है डिफरेंट वीक्स और जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है, दैट मीन्स मंडे टू संडे। फिर क्या बोल रहे हैं, दे ऑल अटेंड द एग्जामिनेशन ऑन सब्जेक्ट्स नेमली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बॉटनी जूलॉजी कंप्यूटर एंड इको बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब इनके सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं। अब देखें यहाँ पे समझने वाली बात है कि नो डाउट बहुत सारे आप स्टूडेंट्स होंगे जो सॉल्व कर लिए होंगे, बट देखें यहाँ पे एक समझने वाली आपको जो बात है, जो नए बच्चे हैं आप ये चीज़ समझो कि आप चीज़ें स्टार्ट कैसे करोगे। आप उस चीज़ों से स्टार्ट करो जो चीज़ फिक्स होती है, जो कि ये फिक्स है, फिक्स इंसेंस उनका सीक्वेंस फिक्स होता है। क्या आप अभी यहाँ पे बता सकते हो कि कहाँ पे आपका फिजिक्स आएगा, कहाँ केमिस्ट्री आएगा? नहीं बता सकते हो, बट आप ये तो जानते हो ना कि स्टार्ट मंडे से होगा और एंड संडे से होगा। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में इसी तरह की 2 चीज़ें दे दी कि मान लीजिए आपको मंथ दे दिया और आपको किसी का बोल दिया कि वो इस सिटी ट्रैवल करता है, तो आप स्टार्ट किससे करोगे? आप अपना स्टार्ट करोगे ईयर से। क्यों ईयर से? क्योंकि देखिए ईयर तो आपका फिक्स है ना, बट जो जब ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रैवल की प्लेस है, वो तो फिक्स नहीं है ना। फिक्स इन सेंस आपका सीक्वेंस डिसाइडेड होता है। जैसे देखिए मंडे टू संडे का तो सीक्वेंस है कि मंडे के बाद पक्का ट्यूसडे आएगा, बट क्या यहाँ पे डेफिनेट है कि फिजिक्स के बाद तुरंत केमिस्ट्री आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो बोल दिया बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं होता तो आप नो डाउट इससे स्टार्ट करो या इससे स्टार्ट करो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे तो कुछ फिक्स है नहीं ना, तो आप यहाँ पे स्टार्ट किससे करोगे? आप अपनी पजल, मतलब यहाँ पे आप सेट किसको करोगे? सबसे पहले आप मंडे टू संडे लिखोगे एंड नॉट आपके सब्जेक्ट, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है। तो आप यहाँ पे अपने लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेंसडे, देन थर्सडे, देन आपका फ्राइडे, देन सैटरडे एंड देन आपका आ जाएगा इधर संडे, ठीक है। तो ये हमने अपने जितने वीक के डेज थे वो लिख लिए।
ठीक, अब इनके सब्जेक्ट्स है तो ये सब्जेक्ट्स के यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में आपको नीड नहीं है कि अपनी कॉपी में सब्जेक्ट्स लिखो, क्योंकि यहाँ पे पजल में मिल जाएगा। और मान लीजिए एक दो जो नहीं मिला वो हम अपना ऊपर फिर से पढ़कर देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। बोल क्या रहा है, ओनली 1% अटेंड द एग्जाम ऑन वन सब्जेक्ट इन वन डे, दैट इज एक डे में एक ही पर्सन आएगा। फिर आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, 2% अटेंड द एग्जाम बिटवीन द वन हु अटेंड द बॉटनी एग्जाम एंड ए हु अटेंड्स ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे बट नॉट ऑन मंडे। तो देखिए ये एक लाइन है, अगर आपको मान लीजिए एग्जामिनेशन में एक बार में नहीं समझ में आना तो फिर से दोबारा पढ़ो। ठीक है, तो इसमें देखिए बोलना क्या चाह रहा है। सबसे पहले देखिए हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु आपको ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि 2% अटेंड करते हैं, किसके बीच में अटेंड करते हैं एग्जामिनेशन, एक बॉटनी और एक ए के बीच में। अब ए जो कि, आप हु को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो यही होगा ना कि जो, तो जो किसके लिए यूज़ हो रहा है, जो आपके हु के, हु आपका किसके लिए यूज़ हो रहा है, हु आपका ए के लिए यूज़ हो रहा है। ए हु अटेंड्स वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे बट नॉट ऑन मंडे। तो देखिए थर्सडे के ऊपर कितने डेज है, थर्सडे के ऊपर 3 डेज है, बट इसमें बोल रहा है मंडे को ए नहीं आएगा। मंडे को ए नहीं आएगा तो दो पॉसिबिलिटी बनेगा, दैट इज ट्यूजडे इधर वेंसडे। तो आप यहाँ पे ए लिख लो और इधर ए कैन कम हियर, ये हमने लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है इसमें, वो कितने परसेंट बोला था, 2%, तो ए 2% यहाँ पे और यहाँ पे आप बॉटनी लिख लो। सिमिलरली इस केस में ए और 2% आपका बॉटनी यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर जा नहीं सकते हो क्योंकि आपके फिर बॉटनी के लिए स्पेस नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2% आ जाएंगे। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, 3% अटेंड दी एग्जाम बिटवीन दी वन हु अटेंड केमिस्ट्री एंड दी वन हु अटेंड इको। तो अब देखिए यहाँ पे आप होल्ड पे लिख लो क्योंकि अभी आप सेट नहीं कर सकते हो, तो केमिस्ट्री और 3% और फिर आपके इको आ जाएंगे। अब इसको यहाँ पे आप और लिख लो, और क्यों लिख लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, दैट इज दोनों स्वाइप भी कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, जी अटेंड्स द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर द वन हु अटेंड्स इको। अब इको आपने यहीं पे लिखा है तो आप यहीं पे इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लो कि इको के जी अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर ना, तो इको आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे जी आ जाएगा, तो इसको आप लिख लो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ए डज नॉट अटेंड नीदर केमिस्ट्री और कंप्यूटर एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताना मैं भूल गई, देखिए यहाँ पे इस वाले यहाँ पे तो मैंने सही कर दिया था कि देखिए यहाँ पे आपका नीदर होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये वाली लाइन पढ़ते हैं, दो भाग लेने ए के बीच परीक्षा में भाग, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे या तो नहीं होगा, यहाँ पे ये रॉन्ग प्रिंट हो गया थोड़ा सा, और सॉरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ना तो, दैट इज ए आपका ना ही तो रसायन में आएगा ना ही तो कंप्यूटर में आएगा, यहाँ पे या नहीं होगा, या को काट कर आप ना लिख लो। अब देखिए ईदर और नीदर में बहुत डिफरेंस होता है, अगर मान लीजिए बोल दिया कि ए ईदर केमिस्ट्री, ए डज नॉट अटेंड ईदर केमिस्ट्री और कंप्यूटर, अगर ये बोल देता तो इसका मतलब क्या होता, ईदर ए केमिस्ट्री नहीं पसंद करेगा और कंप्यूटर नहीं पसंद करेगा, बट दोनों साथ में ना पसंद करे ऐसा नहीं होगा। इसका इन शॉर्ट आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ए ईदर केमिस्ट्री चूज करेगा और ईदर कंप्यूटर, बट यहाँ पे अगर नीदर नॉट बोल दिया दैट मीन्स ए दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद करेगा। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन में ध्यान से पढ़ना कि वहाँ पे ईदर और बोल रहा है या तो नीदर नॉर बोल रहा है। ठीक है, अब हम कहाँ थे, हमारा ए हो गया, ए डज नॉट अटेंड नीदर केमिस्ट्री नॉर कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे काट लो कि यहाँ पे ना ही तो केमिस्ट्री आएगा और ना ही तो आपका कंप्यूटर आएगा। इस केस में भी नीदर आपका केमिस्ट्री आएगा और ना ही तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर आएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ओनली 1% अटेंड द एग्जाम बिटवीन एफ एंड द वन हु अटेंड्स द कंप्यूटर एग्जाम हु अटेंड आफ्टर एक्स आफ्टर एफ। अब देखिए हु किसके लिए यूज हो रहा है, सबसे पहले इसको देखते हैं, ओनली 1% अटेंड द एग्जामिनेशन बिटवीन एफ एंड द वन हु अटेंड कंप्यूटर एग्जाम। अब हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, हु आपके कंप्यूटर एग्जाम के लिए यूज़ हो रहा है, और ये वाला हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, हु आपके यूज़ हो रहा है सॉरी एफ के लिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ओनली 1% अटेंड द एग्जामिनेशन बिटवीन एफ, तो यहाँ पे आपका एफ आ जाएगा, और 1% एंड द वन हु अटेंड्स कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आ जाएगा। अब यहाँ पे और लिख लो क्योंकि ये दोनों स्वाइप भी कर सकते हैं, हु अटेंड एफ। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, एज मेनी पर्सन अटेंड द एग्जामिनेशन बिफोर द वन हु अटेंड्स फिजिक्स इज सेम एज आफ्टर एफ। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के पहले उतने ही पर्सन आ रहे हैं जितने एफ के बाद आ रहे हैं, तो इसको आप नोट डाउन कैसे करोगे कि फिजिक्स के ऊपर उतने ही पर्सन आ रहे हैं जितने आपके एफ के नीचे आ रहे हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है, एज मेनी पर्सन अटेंड द एग्जामिनेशन
यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन ये हमारी छूट गई कि इसमें था कि हु अटेंड कंप्यूटर एग्जाम, हु अटेंड्स कंप्यूटर एग्जाम, हु अटेंड आफ्टर एफ। तो अब इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर किसके बाद आएगा, कंप्यूटर आपके एफ के बाद आएगा। तो यहाँ पे और की पॉसिबिलिटी हट जाती है, ये डेफिनेट हो गया कि एफ ऊपर आएगा और कंप्यूटर आपका नीचे आएगा। ठीक है, अब आपका फिजिक्स हो जाएगा एफ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फिर आगे पढ़ते हैं, एज मेनी पर्सन अटेंड द एग्जामिनेशन बिटवीन सी एंड द वन हु अटेंड्स मैथ्स इज सेम एज बिटवीन डी एंड हु अटेंड्स द मैथ्स एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अगर आप सोचो तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि देखिए मैथ्स आपका यहाँ भी कॉमन है, मैथ्स आपका यहाँ भी कॉमन है। इसका लाइन का मतलब क्या बोल रहा है कि सी और मैथ्स के बीच में उतने ही पर्सन है जितने मैथ्स के और डी के बीच में। इसका मतलब क्या है कि आपका मैथ्स बीच में आएगा, दैट इज मैथ्स आपका यहाँ पे आ जा सकता है। अब सी ऊपर है कि डी ऊपर है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे स्लैश लगाकर आप लिख लो कि इधर सी कैन कम हियर, और यहाँ पे जो पर्सन रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे इस पर, यहाँ पे जितने पर्सन होंगे और यहाँ पे इधर सी या डी में से कोई एक आ जाएगा। तो ये हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, सी अटेंड्स द एग्जाम बिफोर डी एंड डज नॉट अटेंड द जूलॉजी एग्जाम। अब एंड किसके लिए यूज़ हो रहा है, एंड आपके सी के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्रॉस कर कर लिख लो कि सी आपके जूलॉजी में नहीं आएगा, और यहाँ पे बोल दिया कि सी पहले आएगा, सी पहले आएगा, तो यहाँ पे डी वाली जो पॉसिबिलिटी हमने सोची थी वो रॉन्ग हो जाएगी। दैट मीन्स आपका डी यहाँ पे आ जाएगा। अब डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्रॉस करके रख लो, लिख लो कि यहाँ पे जूलॉजी नहीं आएगा, ये हमने लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है, ई डज़ नॉट अटेंड दी बॉटनी एग्जाम। तो यहाँ पे अभी कुछ लिख नहीं सकते, आप चाहो तो यहाँ पे चलिए लिख ही लेते हैं, यहाँ पे ई नहीं होगा और इस केस में आपका ई यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले सेट किसको करोगे, आप सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे केमिस्ट्री और इको के रिगार्डिंग है ना, क्योंकि अगर इन दोनों को बैठाओगे तो फिर आप जी को भी बैठा सकते हो, और यहाँ पे भी बोल दिया था कि ए के पास केमिस्ट्री नहीं आएगा, और सबसे ज़्यादा गैप भी नहीं दोनों के बीच में, तो आप यहीं से स्टार्ट करो। तो देखिए अगर केमिस्ट्री आप यहाँ पे रखोगे 1, 2, 3, क्या यहाँ पे इको पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे आप केमिस्ट्री रख नहीं सकते हो। बट यहाँ पे तो आपको पता नहीं है ना कि केमिस्ट्री ऊपर आएगा कि इको ऊपर आएगा, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि इको ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए मना है बट इको के लिए नहीं मना है, इको के लिए नहीं मना है तो आप यहाँ पे इको लिख दो। ठीक, तो इसको हम इरेज कर कर यहाँ पे अपना इको लिख देते हैं। इको जैसे लिखेंगे तो 1, 2, 3% और यहाँ पे आपका केमिस्ट्री आ जाएगा। फिर ये भी तो पॉसिबल ना है, इको केमिस्ट्री में से कोई एक यहाँ पे आ जाए, देन 1, 2, 3 और आपका इको केमिस्ट्री में यहाँ आ जाए। बट देखिए यहाँ पे क्या आप कभी इको रख सकते हो, नहीं, हम यहाँ पे इको नहीं रख सकते क्योंकि हमें जस्ट ऊपर इको के कौन चाहिए, हमें इको के जस्ट ऊपर जी चाहिए, और यहाँ पे अगर आप इको रख दोगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ए बैठा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका केमिस्ट्री आएगा। तो इसका एक और केस बनेगा तो हम बना लेंगे, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका बॉटनी हो जाएगा और यहाँ पे आपका ई नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी हमने देखा था यहाँ पे इको नहीं आएगा, आपका केमिस्ट्री आएगा, तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री लिख लो 1, 2, 3 और आपका इको यहाँ पे आ जाएगा। इको यहाँ पे आएगा तो इको से आप जी को सेट कर लो कि जी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपने इको लिखा तो आप जी को यहाँ पे लिख लो। इस केस की बात करते हैं, अगर इको यहाँ पे लोगे 1, 2, 3 आपका केमिस्ट्री या इको बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पे अगर रखते हो इको या केमिस्ट्री तो 1, 2, 3 नॉट पॉसिबल और यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं आएगा। तो इसी तरह सेम केस हो जाएगा कि अगर केमिस्ट्री नहीं आएगा बट डेफिनेटली, तो ये नहीं है ना कि केमिस्ट्री ऊपर ही आएगा और इको नीचे आएगा, ये भी तो पॉसिबल है ना, यहाँ पे इको आ जाए 1, 2, 3 यहाँ पे केमिस्ट्री आ जाए। तो देखिए इस केस में भी अभी हमने देखा दो पॉसिबिलिटी बनी है, तो इसको फिर से हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि ए यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपका बॉटनी हो जाएगा और यहाँ पे आपका ई नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि केमिस्ट्री या इको में से कोई एक आएगा, बट क्या कभी इको आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि हमें इको के तुरंत ऊपर कौन चाहिए, हमें इको के तुरंत ऊपर जी चाहिए, जो कि ये वाला कंडीशन बोल रहा है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका यहाँ पे केमिस्ट्री आ जाएगा, देन 1, 2, 3% और आप इको लिख लो यहाँ पे। अगर इस केस की बात करते हो तो यहाँ पे भी हमने देखा था यहाँ पे नहीं आएगा, बट यहाँ पे तो इको अभी चेक किया था, तो इको यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3 और आपका केमिस्ट्री आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने इको लिख लिया, आप यहाँ पे जी लिख लो। इस केस में भी इको आपने यहाँ पे लिखा, जी यहाँ पे लिख लो, ये यूज़ हो चुका, इसको कट कर दो, इसको भी कट कर दो, सॉरी। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद देखिए आप किसको सेट करोगे, आप एफ़ को एक बार ट्राई करो, क्योंकि देखिए इसके बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही आप एफ़ या कंप्यूटर को सेट कर लोगे, डेफिनेट इंसेंस आपको इसमें ये पता है ना कि आपका एफ़ हमेशा ऊपर आएगा कंप्यूटर के, और अगर आपने एफ़ को कर लिया तो आप यहाँ पे फिजिक्स और एफ़ के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इसमें हम चेक कर कर देखते हैं कि आपका एफ़ और कंप्यूटर कहाँ आ सकते हैं। अगर एफ़ यहाँ पे रखोगे तो 1% छोड़कर क्या कंप्यूटर यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं। एफ़ यहाँ रखोगे 1% छोड़कर कंप्यूटर नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पे एफ़ रखोगे तो 1% छोड़कर यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा।
और यहाँ पे आपने एफ रखा, यहाँ पे आपने कंप्यूटर रखा, आप लगे हाथ यहाँ पे ये फिजिक्स वाली भी पॉसिबिलिटी चेक कर लो। देखिए एफ के नीचे कितने परसेंट है, दो, तो यानी यहाँ पे 2% हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिजिक्स हो जाएगा। अगर इस केस की बात करते हैं तो एफ 1% कंप्यूटर नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए के पास नहीं आएगा। अगर एफ यहाँ पे तो 1% कंप्यूटर बिल्कुल पॉसिबल है। फिर अगर आप एफ को यहाँ पे रखते हो तो 1% छोड़कर आपका यहाँ पे भी कंप्यूटर पॉसिबल है। तो इसमें हम पॉसिबिलिटी अपनी चेक कर लेते हैं। एफ अगर आपने मान, लेट से अब देखिए एग्जामिनेशन में आप जब अपनी पॉसिबिलिटी चेक करना, तो जो चीज़ फिक्स है उसको तो आप ऐसे ही रहने देना, जो चीज़ आपने अनफिक्स करी, जैसे इसमें अब दो पॉसिबिलिटी, अब ये नहीं कि हम एक और पॉसिबिलिटी चले बनाने, हम इसी को यहीं पे आप या तो इधर छोटा सा लिख लो यहाँ पे कहीं साइड में, और या तो फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लो जैसे मैंने ड्रॉ करा है, ठीक। तो आपको ये चीज़ डेफिनेट रहेगी कि आपने ये पॉसिबिलिटी के लिए लिखा था, तो आप बाद में उसको इरेज भी कर सकते हो। तो देखिए एफ यहाँ पे हो गया, 1% कंप्यूटर आप यहाँ पे लिख लो, तो इसको भी सर्कल बना लो। कंप्यूटर यहाँ लिख लिया, तो अब आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 नीचे 5 आ रहा है, दैट इज़ फिजिक्स के ऊपर भी 5 आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ फिजिक्स लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बॉटनी है, दैट मीन्स आपकी आपकी एफ वाली तो ये पॉसिबिलिटी हटती है, एफ की ये पॉसिबिलिटी हटती है, तो फिर आप एफ डेफिनेटली यहाँ पे लिख दो। एफ आपने यहाँ पे लिखा तो आपका कंप्यूटर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2% और यहाँ पे 2% आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका फिजिक्स आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम फिजिक्स लिख लेंगे, यहाँ पे हमारा फिजिक्स आ गया। अब देख लेते हैं, अगर एफ आप यहाँ पे टीम, हम देखते हैं हम एफ और कंप्यूटर को कहाँ अपने रख सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे एफ रखोगे तो नो प्लेस फॉर कंप्यूटर, तो यानी आपका एफ यहाँ पे नहीं आएगा। एफ यहाँ पे रखोगे नो प्लेस फॉर कंप्यूटर, एफ यहाँ पे रखोगे एक स्पेस छोड़कर यहाँ पे कंप्यूटर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप एफ को यहाँ पे रख दो, एक स्पेस छोड़कर आपका कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा। एफ यहाँ पे रखोगे नो प्लेस फॉर कंप्यूटर। अगर इसकी बात करते हैं तो एफ एक प्लेस नो प्लेस फॉर कंप्यूटर, एफ यहाँ पे एक स्पेस छोड़कर नो प्लेस फॉर कंप्यूटर, और यहाँ पे तो डबल भरा हुआ है, तो यानी इसमें आपका एफ और कंप्यूटर नहीं आएगा। यानी आपकी ये तीन पॉसिबिलिटी होगी, इसी से हम गो थ्रू करेंगे। अब हमने F यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे फिजिक्स देते हैं। तो देखिए 1, 2, 3 नीचे है, तो 1, 2, 3 आपका फिजिक्स यहाँ आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो नहीं बोला था ना कि फिजिक्स और F अलग पर्सन है, ये भी तो हो सकता है ना कि F ही की बात कर रही हो और F ही फिजिक्स हमारा वो लाइक करता हो, तो आपका फिजिक्स यहाँ पे अटेंड करता हो, तो यहाँ पे आपका फिजिक्स आ जाएगा। तो इसको यूज़ कर लिया आपने, तो इसको एलिमिनेट कर दो। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि आपका मैथ्स एग्जैक्टली बिटवीन में आएगा, एग्जैक्टली भी नहीं कह सकते, बिटवीन में आएगा, और मतलब स्टार्टिंग में नहीं आ सकता ना, एकदम एंड में नहीं आ सकता, क्योंकि सी और डी के बीच में ही आएगा मैथ्स आपका। तो अब इसमें देख लेते हैं मैथ्स आ कहाँ सकता है। यहाँ पे क्या आप मैथ्स रख सकते हो, नहीं, यहाँ पे मैथ्स रखोगे तो आप सी को कहाँ रखोगे, डी को कहाँ रखोगे, ठीक। तो आप इस केस में मैथ्स को यहाँ पे रख दो। अगर इस केस की आप बात करते हो तो मैथ्स को यहाँ रख सकते हो, हाँ बिल्कुल रख सकते हो मैथ्स को। देखिए अगर ये आप सोचो कि मैथ्स यहाँ पे रखो, तो देखिए सी और डी के बीच में आना है, सी हमारा ऊपर आना है, डी हमारा नीचे आना है। मैथ्स अगर यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे तो चलिए आपने सी लिख दिया क्योंकि ऊपर तो बस एक यही स्पेस बच रहा है, तो क्या यहाँ पे डी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, दैट मीन्स आपका मैथ्स यहाँ पे नहीं होगा। इस केस में अगर आप मैथ्स को यहाँ पे रखते हो तो देखिए इधर एक छोड़ के, मानो कि अगर यहाँ पे छोड़कर आप सी लिख दो, तो इस केस में भी आपका यहाँ छोड़कर और आपका मैथ्स एक स्पेस छोड़कर यहाँ पे अगर सी लिख दिया, तो मैथ्स एक स्पेस छोड़कर डी यहाँ पे लिख सकते हो। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मैथ्स यहाँ पे 2% छोड़कर आपका सी यहाँ पे आ जाए, मैथ्स यहाँ पे 2% छोड़कर डी यहाँ पे आ जाए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पॉसिबिलिटी आप एलिमिनेट कैसे करोगे, तो वैसे एलिमिनेट होगी कि देखिए यहाँ पे अब एक ही सब्जेक्ट बचा है ना, वो सब्जेक्ट है कौन सा, जूलॉजी, और यहाँ पे बोल दिया था कि सी जूलॉजी लाइक नहीं करता, दैट मीन्स जो हमने एक स्पेस वाली पॉसिबिलिटी देखी कि थी कि मैथ्स एक स्पेस छोड़कर यहाँ पे आ जाए सी, और मैथ्स एक स्पेस छोड़कर डी यहाँ पे आ जाए, तो वो तो एलिमिनेट होती है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में 2% होंगे और आपका सी आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर हमने 2% छोड़े हैं, तो यहाँ भी 2% छोड़ेंगे, तो मैथ्स 2% और आपका डी आ जाएगा यहाँ पे। अब ई यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपका ई यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में भी ये वाली हम अपनी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ्स आएगा नहीं, आपने मैथ्स यहाँ रख दिया, यानी आपका यहाँ पे जूलॉजी आएगा। अब मैथ्स आपने यहाँ पे रख लिया, तो एक स्पेस छोड़कर क्या यहाँ पे रख सकते हो, नहीं। और इमीडिएट का अगर आप बात करते हो, तो अगर आप सी को यहाँ पे रखोगे तो क्या यहाँ पे डी इमीडिएट में आएगा, नहीं आएगा, और ऊपर तो सी के लिए और कोई पॉसिबिलिटी बचनी नहीं, दैट मीन्स आपका ये भी रॉन्ग होता है। तो आपका अभी एक सिर्फ यही ट्रू चल रहा है, ठीक है। इस वाले में चेक कर लेते हैं कि देखिए आपने एफ रखा, कंप्यूटर रख लिया, अब हम अपने मैथ्स को रखते हैं, तो आप मैथ्स यहाँ रख सकते हो, हाँ बिल्कुल रख सकते हो। तो आप मैथ्स को यहाँ पे रख लो और सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी कि जूलॉजी यहाँ हो जाएगा, बट यहाँ पे बोला था कि सी जूलॉजी लाइक नहीं करता, दैट मीन्स आपका ये वाला केस एलिमिनेट होता है। दैट इज़ आपकी फाइनल अरेंजमेंट होगी कौन सी, आपकी फाइनल अरेंजमेंट बनेगी ये। अब यहाँ पे पर्सन कौन बच रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। ए हो गया आपका, देन बी, बी बच रहा है, तो आपका बी यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी
फाइनल अरेंजमेंट होगी। देखिए प्री एग्जामिनेशन में मैं आपसे सजेस्ट करूंगी आपको कि आप जब भी पजल बनाया करो तो आप पेंसिल से बनाया करो। पेंसिल से आपको एक ये बेनिफिट रहेगा कि जैसे यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी थी ना, हमने यहाँ पे चेक करते गए और जो जो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट होती गई उसको आप इरेज कर सकते हो। पेन से आप करोगे तो वो बहुत मेस्ड अप हो जाएगा और मे बी आपको एग्जामिनेशन प्रेशर में बहुत कन्फ्यूजन हो जाए कि क्या चीज़ आपने चेक करी है, क्या चीज़ नहीं चेक करी, या तो आपकी पॉजिटिव वाली क्या थी, नेगेटिव वाली इन्फॉर्मेशन क्या थी। तो आप अगर इरेजर और पेंसिल और इरेजर की हेल्प से करोगे तो वो चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आप ट्राई करना इस बार अपने आरआरबी एग्जामिनेशन में एक बार पेंसिल इरेजर से करके। एग्जामिनेशन से पहले आप जब अपनी एसटीज देते हो तब भी आप कर सकते हो, और एसटी देने के लिए आप हमारी साइट दैट इज़ www.ibpsguide.com पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए इसके रिगार्डिंग जो हमारे 5 सेट ऑफ क्वेश्चन हैं उनको चेक कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जी अटेंड्स विच ऑफ दी फॉलोइंग एग्जाम। अब देखिए जी आपका यहाँ पे मैथ्स अटेंड कर रहा है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। हाउ मेनी पर्सन अटेंड द एग्जामिनेशन बिटवीन बी एंड द वन हु अटेंड जूलॉजी एग्जाम। तो देखिए बी आपका यहाँ पे है, जूलॉजी आपका यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कितने परसेंट, 1, 2, 3, 3%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए ए यानी ए है और यहाँ पे केमिस्ट्री, दैट मींस ए और एक छोड़कर ऊपर केमिस्ट्री जा रहा है। ठीक है, फिर डी इज़ रिलेटेड टू ईको, डी है एक पर्सन छोड़कर यहाँ पे ईको आ रहा है। फिर पूछ किसका रहा है, बी का रिलेशन पूछ रहा है, तो देखिए बी और एक पर्सन छोड़कर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैथ्स आ रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि जिसमें आपको रिलेशन दे दिया या डेफिनेट चीज़ें दे दी कि ए का रिलेशन है केमिस्ट्री से या डी का रिलेशन है ईको से, ये सारे आपके टर्निंग पॉइंट होते हैं क्रॉस चेक एग्जामिनेशन में करने के लिए कि आपकी जो आपने अरेंजमेंट बनाई है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे हमारा दोनों चीज मैच कर रहा था, हमने देखा यहाँ पे, दैट मींस हमारी जो फाइनल अरेंजमेंट हमने बनाई थी वो ट्रू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द एग्जामिनेशन ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को कौन है, बी है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए ये वाली जो क्वेश्चन हो गए इस टाइप के और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्जामिनेशन में क्रॉस चेक करने के एक जरिया होते हैं कि देखने के लिए कि आपने जो अरेंजमेंट बनाई है वो ट्रू है कि नहीं। तो इसमें देख लेते हैं स्टेटमेंट है कितनी, एफ अटेंड वन ऑफ द डेज बिफोर ई, तो एफ यहाँ पे है बट एफ तो ई के नीचे आ रहा है, बट यहाँ पे बोल रहा है बिफोर, दैट मीन्स ये फॉलो नहीं कर रहा है। फिर ए अटेंड द जूलॉजी एग्जाम, तो ए जूलॉजी नहीं, ए तो फिजिक्स में आ रहा है तो ये भी नहीं कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 1% अटेंड द एग्जामिनेशन बिटवीन डी एंड जी, तो डी यहाँ पे है, जी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, तो 2% है, दैट इज ये भी फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे नन इज ट्रू है। और फिर देखिए यहाँ पे लास्ट वाला बच्चा, इसको चेक करते हैं, जी अटेंड द एग्जाम ऑन थर्सडे, तो क्या जी थर्सडे में आ रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे बिल्कुल जी थर्सडे में आ रहा है, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा, तो आपका ये फॉलो होगा। एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपका ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, और ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दे रहा है करके कि ए एंड बी बोथ, तो आप समझ जाना कि आपने जो अरेंजमेंट बनाई है वो आपकी फॉल्स है। तो ये कुछ तरीके होते हैं एग्जामिनेशन में अपनी अरेंजमेंट क्रॉस चेक करने की। और जहां तक रहता है कि एग्जामिनेशन में इधर इस टाइप का रिलेशनशिप वाला दे देगा या ऑड वन आउट वाले होते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए बोल दिया कि आपको ये सारे ऑप्शन दे दिए, फिर इसमें बोल देगा कि 4 of the 5 आर अलाइक इन अ नेचर एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, और एक होगा जो आपका ऑड होगा, तो आपको बताना रहता है ऑड कौन सा। तो उस टाइप के भी जो क्वेश्चन हो गए तो उससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपकी अरेंजमेंट ट्रू बनी, सही बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, तो ये हमने आज 5 सेट ऑफ इनइक्वालिटी क्वेश्चंस और अपनी एक पजल सॉल्व करी जो आपके आरआरबी असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी। सो होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।